वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। मुजफ्फरनगर में नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने का एक मामला सामने आया है। यहां हरियाणा के जींद की रहने वाली एक युवती एसएसपी अभिषेक सिंह के ऑफिस गुहार लेकर पहुंची। युवती का कहना था कि युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे दोस्ती की, उसने अपना नाम कमल बताया, उससे प्यार का झूठा नाटक किया और एक साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि आरोपी ने इन फोटोज के माध्यम से उसे ब्लैकमेल भी किया। आरोपी ने फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण भी किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटोज सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उसे मुजफ्फरनगर बुलाया था। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसका 2 बार गर्भपात भी कराया, फिर भी उसने पीड़िता के साथ शादी नहीं की। पीड़िता को पता चला कि कमल का असली नाम कामिल है। एक लड़के ने अपना नाम हिंदू बदल के कमल रख के मेरे साथ बातचीत करी थी। उसके बाद उसने मतलब बताया नहीं था कि वो मुसलमान है। कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि वो मुसलमान है। उसने मेरे साथ मतलब मिला, वीडियो फोटोज क्लिक करी, ब्लैकमेल किया मुझे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तेरे भाई को मार दूंगा, और भाई तेरी फोटो वीडियो इंटरनेट पर डाल के तुझे मतलब कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा धमकी दी तो मैं अपने घर से आ गई। उसने कहा कि उसे जेवरा चाहिए, पैसे चाहिए, मैं ये सब लेके उसके पीछे पीछे सब कुछ करके मैं उसके साथ आ गई थी। उसके साथ आने के बाद उसने मुझे अपने घर में रखा 1 साल तक। उसके बाद उसने मुझे मारा पीटा, मेरा शोषण किया, उसकी फैमिली ने शोषण किया। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी मुसलमान बनने के लिए कि मुसलमान बन, बुरखा पहन, नमाज पढ़, ये सब कर, उर्दू पढ़। तो उन्होंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कर। सीओ खतौली यतेंद्र नागर ने बताया कि हरियाणा की एक युवती ने एसएसपी कार्यालय आकर प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की और शारीरिक संबंध बनाए। आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला मुख्यालय से गठित टीम को तत्काल मौके पर भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज एसएसपी सर के ऑफिस में एक हरियाणा की रहने वाली महिला ने आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें संधावली थाना मंसूरपुर का रहने वाले एक मुस्लिम युवक के द्वारा अपने आप अपना धर्म छुपा करके उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई और उसको झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रार्थना पत्र पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला मुख्यालय पर गठित टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया है और जो भी जाँच होगी उसके आधार पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। हिंदूवादी नेता ललित महेश्वरी ने बताया कि एक सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम युवक ने धोखाधड़ी और नाम बदलकर एक युवती को फंसाया और उसको ब्लैकमेल किया। मुस्लिम युवक धर्म परिवर्तन करने के लिए लड़की पर दबाव बना रहा था, मना करने पर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। अब से करीब 1.5 साल पहले कमल बनकर एक लड़के ने इससे इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और अपना अच्छा काम वगैरह बताकर, अच्छा परिवार बताकर इसे अपने प्यार में फंसाए रखा। 5-6 महीने बाद ये उसके संपर्क में आई और इसके वीडियो बनाकर वो इसे ब्लैकमेल करता रहा और अब इसे वो केरला ले जाने की तैयारी में था। इसने केरला जाने से मना कर दिया, पहले मुझसे शादी कर। वो ये बोला, लड़का बोला मुसलमान बन, मैं तेरे से तब शादी करूँगा। तो इसने मुसलमान बनने से मना कर दिया और कल ये हम इसे बचा कर निकाल कर लाए हैं, इसीलिए उस संबंध में एसएसपी महोदय से मिले थे। बता दें, आरोपी युवक ने सोशल मीडिया के जरिए पहले नाम बदलकर लड़की से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, उसका बलात्कार किया और पैसे भी लूट लिए। युवती ने बताया कि आरोपी कामिल ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तब मैं तुमसे शादी करूंगा, जिसका पीड़िता ने विरोध किया तो कामिल ने उसके साथ मारपीट की और कामिल की माँ, भाई और 2 भाभियों ने भी पीड़िता के साथ मारपीट की और उसके 80,000 रुपए और कीमती जेवरात हड़प लिए। पीड़िता ने आरोपी कामिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।